मुजफ्फरनगर के मीनापुर में ब्रह्म कुमारी द्वारा नव निर्मित ओम शांति भवन का राजयोगिनी आशा दीदी द्वारा उद्घाटन किया गया। मुजफ्फरनगर के मीनापुर में ब्रह्म कुमारी द्वारा नव निर्मित ओम शांति भवन का उद्घाटन राजयोगिनी आशा दीदी निदेशिका ORC गुड़गांव के द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मीरापुर विधायक चंदन सिंह चौहान मौजूद रहे। उन्होंने अपने उद्घोषण में मीरापुर क्षेत्र में ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र की आवश्यकता बताया तथा कहा कि इस सेवा केंद्र के खुल जाने से यहां की जनता में एक नई आध्यात्मिक जागृति उत्पन्न होगी। उन्होंने इस सेवा केंद्र की संचालिका BK अनमोल दीदी आदि का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने अपने अथक प्रयास से इस ईश्वरीय सेवा केंद्र की स्थापना की है। भगवान की याद आती है, स्मृति आती है और अभी हमारे बीच हमारे मुजफ्फरनगर के मीरापुर पुलिस ने पोक्सो एक्ट में वांछित चल रहे अभियुक्त को सिकंदरपुर से गिरफ्तार कर लिया। SSP मुजफ्फरनगर अभिषेक यादव, SP देहात अतुल कुमार श्रीवास्तव, SC ओजानथट शकील अहमद के निर्देशन में चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत मीरापुर पुलिस ने पोक्सो एक्ट में वांछित आरोपी को मुखबिर की सटीक सूचना पर सोमवार को जूनियर हाई स्कूल गाँव सिकंदरपुर के पास से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। मीरापुर थाना क्षेत्र में एक आरोपी पोक्सो एक्ट में वांछित चल रहा था। पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिशें दे रही थी। रविवार को मुखबिर की सूचना पर मीरापुर पुलिस ने सौरभ पुत्र अशोक को जूनियर हाई स्कूल गांव सिकंदरपुर के पास से गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरनगर के मीरापुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान संबलहेड़ा मार्ग से एक वाहन चोर को चोरी की कार के साथ गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरनगर के मीरापुर पुलिस ने कार चोर को बीती रात गश्त के दौरान संबलहेड़ा मार्ग से कार सहित गिरफ्तार कर लिया। थाना मीरापुर पुलिस ने एक चोर को बीती रात गश्त के दौरान संबलहेड़ा मार्ग से गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से कार भी बरामद की है। दरअसल मीरापुर पुलिस रात के समय संबलहेड़ा मार्ग पर गश्त कर रही थी, जहां उन्हें एक संदिग्ध कार दिखाई दी। जैसे ही पुलिस ने उसे रोका तो वह कार को लेकर भागने का प्रयास करने लगा, जिसे पुलिस ने पीछा कर पकड़ लिया और थाने ले आई। पकड़े गए युवक ने अपना नाम रहीस पुत्र अपराध निवासी गांव वलीपुरा थाना मीरापुर जनपद मुजफ्फरनगर बताया। उसने बताया कि वह इस कार को गांव वलीपुरा से डॉक्टर इरशाद अहमद पुत्र यामी निवासी गांव वलीपुरा की चुरा कर लाया है। मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा के विधायक चंदन सिंह चौहान ने नगर पंचायत की बोर्ड बैठक में हिस्सा लेते हुए समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधायक चंदन सिंह चौहान जीत के बाद से लगातार लोगों से संपर्क साध रहे हैं। वो गांव-गांव जाकर लोगों से उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और उनकी समस्याओं के निस्तारण के लिए आश्वस्त कर रहे हैं। सोमवार को इसी कड़ी में सपा विधायक चंदन सिंह चौहान मीरापुर नगर पंचायत की बोर्ड बैठक में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और जल निकासी की समस्या के बारे में विचार विमर्श किया। इस दौरान अधिशासी अधिकारी कमलाकांत राजवंशी व चेयरमैन पति जहीर कुरैशी ने विधायक चंदन सिंह चौहान का स्वागत किया। विधायक ने इस दौरान आश्वस्त किया कि बरसात से पहले कस्बे की जल निकासी की समस्या का भी समाधान करा दिया जाएगा। मीरापुर नगर पंचायत की बोर्ड बैठक में उपस्थित चंदन सिंह चौहान ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने जो भी वादे किए थे, एक एक करके वो सभी वादे पूरे किए जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने नगर पंचायत की बोर्ड बैठक में समस्याएं सुनने के बाद कस्बे की जल निकासी की समस्या का जल्द निस्तारण कराने का वादा किया। मुजफ्फरनगर के मीरापुर पुलिस ने शांति व्यवस्था कायम करने के लिए इंस्पेक्टर दिनेश कुमार के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला। मुजफ्फरनगर की मीरापुर पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए रविवार की रात्रि में इंस्पेक्टर मीरापुर दिनेश कुमार के निर्देशन में पुलिस बल के साथ कस्बे में फ्लैग मार्च निकाला और लोगों को अमन शांति बनाए रखने की अपील की। इंस्पेक्टर मीरापुर दिनेश कुमार ने बताया कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाने को देखते हुए पहले ही सुरक्षा के प्रबंध किए जा रहे हैं। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव के निर्देश पर जिले के सभी थाना क्षेत्र में पुलिस रात्रि में फ्लैग मार्च कर लोगों में सुरक्षा का एहसास करा रही है। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।